यार विवेक, मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताओ जिसके मदद से मैं वीडियो को भी एडिट कर लूँ और उसी एप्लीकेशन से मैं यहाँ पर थंबनेल भी बना सकूँ, वो भी प्रोफेशनल थंबनेल। देख भाई, यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिसके मदद से तू वीडियो को भी एडिट कर सकता है और यहाँ पर तुम उस एप्लीकेशन से थंबनेल को भी बना सकता है, और थंबनेल भी बनेगा तो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थंबनेल बनेगा। तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग भी ध्यान से देखिएगा कि आप एक ही एप्लीकेशन से वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं और उसी एप्लीकेशन से थंबनेल बना सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर। तो मैं अपने दोस्त को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि काइन मास्टर से आप अपने थंबनेल को कैसे बना सकते हैं। इस पर मैं यहाँ पर एक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, तो मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर चलता हूँ और वहाँ से मैं अपने दोस्त को भी बता देता हूँ और आप सभी लोग भी सीख जाइएगा। यहाँ पर मैं काइन मास्टर में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट पर जाता हूँ। आपको भी सेम यही तरीका का इस्तेमाल करना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पर जाते हैं तो यूट्यूब का जो थंबनेल होता है 16:9 का होता है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो दिखा रहा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से क्रिएट पर नीचे में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ से एसेट पर जा करके एक जो उजला बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जूम आउट कर देना है। तो ये हो गया आपका जो बैकग्राउंड आपने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि लेयर पर जाना है। लेयर पर आपको मीडिया दिखेगा, मीडिया में जाना है और यहाँ पर मेरे पास है एक डेमो फाइल, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ एक PNG जो कि मैं इसे गूगल से डाउनलोड किया हूँ। तो कुछ इस तरीके का PNG आपको भी डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड करके इसे यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर बैठा दे रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मेरा PNG बैठ चुका है। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ और यहाँ पर इमेज एसेट में जा कर के यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। कोई सा भी बैकग्राउंड आप ले लीजिएगा, कोई सा भी कलर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बैठा देना है। उसके बाद इसको आपको कर देना है यहाँ से बैक। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ देखने में लग रहा है। सो यहाँ पर अब फिर क्या करना है कि आगे अब हमको यहाँ पर लोगो इंक्लूड करना है जो कि काइन मास्टर का। तो मैं यहाँ से फिर से लेयर पर जाता हूँ और फिर से मीडिया में जाने के बाद यहाँ से मैं एक काइन मास्टर का लोगो जो कि यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं, अपने साइज के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया। उसके बाद इस लोगो को मैं यहाँ से बैकवर्ड करूँगा, तो यह कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैकवर्ड में आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है कि लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद आपको फिर से एक एसेट में जा कर के एक ऐसे बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से रोटेट करना है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्रॉप पर जाना है। क्रॉप पर जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको क्रॉप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इसे जूम आउट करना है और कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। मैं इसे थोड़ा सा फिर से क्रॉप कर देता हूँ जी। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ सेट कर देना है। सेट करने के बाद फिर से इसे आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए इसको आपको सेलेक्ट करना है, 3 डॉट पर जाना है। यहाँ से आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर जाना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, ये दो हो गया बैकग्राउंड। उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है काइन मास्टर। तो दोस्तों मैं यहाँ से काइन मास्टर लिख देता हूँ, जो भी मैटर रहेगा आपको यहाँ पर लिखना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने काइन मास्टर लिख दिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर बहुत साइज छोटा है। उसके बाद मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो फॉन्ट में जा कर के यहाँ से जो भी फॉन्ट है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर रोबोटो बॉल ले लेता हूँ। तो इस तरीके से काइन मास्टर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसका जो काइन मास्टर का टेक्स्ट है उसका जो कलर है मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं काइन मास्टर में थोड़ा सा आकर के यहाँ से शैडो डाल देता हूँ, जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ शैडो में जा कर के इसे इनेबल कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। तो यह हो गया काइन मास्टर। अब हमें लिखना है से थंबनेल कैसे बनाए। तो यहाँ हो गया काइन मास्टर, उसके बाद लिखना है से थंबनेल। तो फिर से मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट करके इसको मैं सबसे पहले डुप्लीकेट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं इस
मैं एडिट पर जा करके इसे यहाँ से एडिट कर रहा हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया से थंबनेल, उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ से इसका जो कलर है उसको मैं सबसे पहले चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से वाइट हो गया। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा काइन मास्टर से थंबनेल। यहाँ पर मुझे नीचे लिखना है कैसे बनाए, तो मैं ऊपर से फिर से काइन मास्टर का यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ, और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर मुझे लिखना है कैसे बनाए, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये सारा कुछ हो चुका है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन को नीचे में दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। तो यह देख लीजिए मेरा स्क्रीन शॉट हो चुका है। इसे मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड करूँगा, यहाँ पर मीडिया में जा कर के यहाँ पर डेमो में जाने के बाद यहाँ पर मैं अपने मोबाइल का इस तरीके का PNG को सबसे पहले यहाँ पर ऐड करूँगा। यस, कुछ इस तरीके से मेरा फ़ोन का यहाँ पर PNG ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर से लेयर में जाके मीडिया में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं उस स्क्रीनशॉट को ले लेता हूँ जो कि मुझे यहाँ पर ऐड करनी है। सो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो मेरा मोबाइल का फ्रेम था वो अटैच हो चुका है मेरा स्क्रीनशॉट से। उसके बाद मैं यहाँ पर लेयर में जाके मीडिया में जाता हूँ और उसके बाद मैं एक एरो का इस्तेमाल करता हूँ जो कि कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर ले रहा हूँ। आप इसे बहुत जल्द कर सकते हैं, मुझे यहाँ बताने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि एडजस्टमेंट में जा कर के नीचे ह्यू में जाता हूँ और इसे मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एरो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो काइन मास्टर कैसे बना इस पर थंबनेल तैयार हो चुका है। आप इसी तरीके से काइन मास्टर में अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोस्तों एक डेमो दिया हूँ, आप इसे प्रोफेशनल रूप से करेंगे तो इससे भी काफ़ी अच्छा आप काइन मास्टर में थंबनेल बना सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने में लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काइन मास्टर हो या फिर किसी भी एप्लीकेशन जिसमें भी अगर आप थंबनेल बनाते हैं तो थंबनेल बनाने से पहले थंबनेल में आपको क्या क्या चीज़ों को ऐड करनी है क्या नहीं करनी है सारे चीज़ों को आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे फाइनली काइन मास्टर या फिर किसी भी एप्लीकेशन में किस तरीके का थंबनेल बनाना है। आप चाहे तो थंबनेल के लिए आइडिया लेने के लिए YouTube पर थंबनेल देख सकते हैं, Google से फ़ोटो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं से भी आइडिया लेकर के उस आइडिया को आप यहाँ पर जैसे ही डालेंगे तो आपका जो थंबनेल है काफ़ी ज़्यादा मस्त आपको बनेगा और उस थंबनेल को कोई भी काट नहीं सकता है। उस थंबनेल पर क्लिक थ्रू रेट फिक्स है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यह थंबनेल ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने में लग रहा है, मैं इसे अब सेव करना बता रहा हूँ। उसके लिए देखिए दोस्तों सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक कैप्चर का बटन देखने को मिलता है सेटिंग के ऊपर, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर कैप्चर एंड सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको इस पर टैप कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर टैप कीजिएगा तो फाइनली यह मेरे फ़ोन के गैलरी में सेव हो चुका है। मैं यहाँ से इसे दिखा देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो थंबनेल है वो टोटली यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है कुछ इस तरीके से। और यह काफ़ी HD भी है, आप देख सकते हैं फुल HD थंबनेल है जो कि आप और कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन यह काफ़ी अच्छा यहाँ पर बन जाता है काइन मास्टर के भी मदद से। आप इसी तरीके से आप कहीं भी काइन मास्टर के थ्रू आप थंबनेल बना सकते हैं, कैसा भी थंबनेल बना सकते हैं। और आई होप कि जो मेरा दोस्त है वो भी सीख चुका होगा और आप सभी लोग भी इन सब चीज़ों को जान चुके होंगे। तो भाई तुमने देखा कि मैं किस तरीके से काइन मास्टर की मदद से जो कि वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है मैंने यहाँ पर थंबनेल बनाया, वो भी काफ़ी प्रोफेशनल थंबनेल। और आप लोग भी सीख चुके होंगे कि काइन मास्टर की मदद से प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें कि आप कैनवा की मदद से 1 मिनट में प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो अपलोड होते रहते हैं आए दिन। और इस वीडियो को डेफिनेटली अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।